हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो एग्ज़ाम मैथ का होने वाला है उसी का मॉक टेस्ट जैसा आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और 20 मार्क्स का है। अधिकतम जो मार्क्स है आपका ये 2020 का है। देखिए आपको ये 20-50 मार्क्स का रहेगा फुल मार्क्स, जिसमें से आपका मैथ ये आपका 2020 का सेट है, जिसमें आपको 2021 प्रीवियस ईयर्स का बैक आपको लेकर हम आए हैं, जो क्लास 8 के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैथ है और ये आपका सेट नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द इनवर्स ऑफ 3/4 विल बी। अब इसको हम डायरेक्ट आपको अभी आंसर करवा रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। फर्स्ट का इसका आंसर होगा व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका ऑपोजिट, तो इसका आंसर जाएगा आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। 3/4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। उसी तरह 42 का आंसर होगा 8/100 है, इसका आपका रूट्स पूछ रहा है, इसका रूट्स क्या होगा। तो आपका प्रीवियस वीडियो जो हम बनाए हैं उसमें आपको रूट्स निकालने का तरीका बताए हैं, आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो जाकर देख ले। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसका जो आंसर जाएगा आपका ये 3 के साथ चला जाएगा 90 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा ये 90 का स्क्वायर जब करते हैं तो आपका 8/100 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 64 का क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। 64 का क्यूब रूट्स क्या निकलेगा, तो वो कौन सा ऐसा एक नंबर है जो उसको 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो इसका 43 का आंसर होगा आपका 4 के साथ जाएगा। जैसे आपको देखिए 4 का क्यूब अगर हम करते हैं, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 × 4 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 4 = 16, 64 × 64 ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का आंसर आपका जाएगा ये आपका 1 के साथ जाएगा। किसी के पावर में अगर 99 और उसकी पावर में अगर 0 आता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। आप लोग भी कॉपी निकाल कर आप लोग मिलाते जाइएगा कि आप 20 में कितना स्कोर ला पाते हैं मैथ में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसमें 45 क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है द जनरलाइज फॉर्म ऑफ 39H। तो इसका क्या होगा, वह कौन सा ऐसा फॉर्म है जो आपका 39 आएगा। तो यहाँ पर तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 9 × 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा और 10 × 9 करेंगे तो ये आपका भी 90 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये 3 × 9 करेंगे तो 27 होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या, तो थर्ड नंबर के साथ जाएगा। क्यों, कि 10 × 3 जा करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और प्लस में इसमें 9 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 39। तो हम मेरा यही पूछा जा रहा था कि 39 का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे जाते हैं 46 क्वेश्चंस जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक पदीय की अपव्यंजक क्या है, या जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ए मोनोमियल्स एक्सप्रेशंस इज। इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जाएगा। ठीक है, पहला किसका आंसर होगा 2xy। ये एक मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स में बताए हैं कि वन टर्म्स रहेगा तो उसको मोनोमियल्स कहा जाता है। इसमें एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट आपको आंसर इसमें बता रहे हैं। चलिए अब 47 का देखते हैं कि 47 का क्या होगा, x माइनस थ्री इसका योगफल क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस थ्री एंड 12 + 12x, तो इसको इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने पर आपका इसका योग क्या आएगा उसी को फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 2 के साथ जाएगा। देखिए इसका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 12 + 2x और इधर लिखा जाएगा आपका
एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस थ्री और बीच में प्लस। अभी दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा टू और वन आ जाएगा थ्री एक्स, और इधर हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर ट्वेल्व में थ्री जाएगा तो बचेगा नाइन, तो नाइन प्लस थ्री एक्स जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर टू में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाकर समझ सकते हैं, और जब इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब हम उस वीडियो में उसको डिटेल से पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसका हिंदी होता है गुणनखंड। अब यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का क्या फैक्टराइजेशन होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर इसको देखेंगे अच्छे से समझ गए होंगे तो इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बैठा देंगे। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री या कौन सा एक नंबर है जो दोनों का फैक्टराइजेशन कर रहा है, गुणनखंड कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ऑप्शन से लिमिट करने के लिए सीखें कि ऑप्शन से लिमिट कैसे करेंगे। ऐसे जनरली इसका आंसर होगा एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा, तो इसका किसके साथ ऑप्शन जाएगा, तो इसका आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा नाइन। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन यहाँ पे आ गया और ये भी आ गया, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका गुणनखंड है या किसका फैक्टराइजेशन है, तो आपका ये जाएगा क्वेश्चन नंबर वन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू फाइव, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू फाइव दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक नंबर को सबसे पहले हमको एक्स जिसको वैल्यू याद करना रहता है उस वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे टू एक्स इजकल टू फाइव माइनस थ्री, तो आपका बचेगा टू, और टू और टू एलिमेंट हो जाएगा तो बचेगा क्या वन, तो x बराबर वन, जो भी ऑप्शन में x बराबर वन होगा वही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में टू में दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 सेइंग द सम ऑफ द नंबर x एंड 5 इज 12 एंड देन इक्वेशन इज, तो क्या होगा, वह कौन सा x नंबर है जो नंबर को ऐड करेंगे और मेरा एक पूरा इक्वेशन बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 इसमें लिखा हुआ है 50 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में रुचि रखते हैं और कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, क्वेश्चन आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, नहीं रखते हैं 50 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, इसमें बोलता है कि जो 72% है जो बच्चे हैं उसमें 50% है जो इंटरेस्ट रखते हैं और बाकी जो नहीं है तो वो कितने परसेंटेज है जो नहीं है, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 28% ऐसा स्टूडेंट है जो कि वह नहीं रखता है पढ़ने के लिए मैथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 60 पेंसिल इज आर एस 64, हाउ मैनी पेंसिल वी कैन गेट फ्रॉम आर 144, तो बोलता है कि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, 144 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन भी करिएगा, तो ये बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, ये इसका जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जाएगा। ये तो 16 के बार टेबल में कट जाएगा, चार बार में, और चार को 36 से डिवाइड करिएगा तो आपका ये आ जाएगा 36 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये टेबल से 36 का टेबल चार बार पढ़िएगा तो आपका 144 आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका है, एक पेंसिल का आराम कितना है 64,
तो 16 पेंसिल कितना होगा, तो 16 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 4, और 4 को क्या करेंगे डिवाइड, 144 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 36, ठीक है 30, तो इसका आएगा 36 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको पूछ रहा है इन द गिवन फिगर इन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको पता ही है कि जब तीनों ट्रायंगल्स इक्वल होता है तो ये 180 डिग्री आता है, उसी से आपको इसमें एलिमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन के साथ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें से पूछ रहा है वह एक कौन सा ऐसा एक एंगल है जो 3D आकार का नहीं है, तो यहाँ पर आपका आएगा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जो आपका 3D स्पेस में नहीं आता, विच इज ऑफ द नॉट 3 डायमेंशन ऑफ 3D, ठीक है, तो आपका जाएगा त्रिभुज के साथ, क्यूब में भी होता है, घनाभ में होता है, स्फेयर में भी होता है, ये 3D होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होता है, हाउ मेनी डायगोनल और देयर इन क्वाड्रेटरल्स, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका क्वाड्रेटरल्स कितना होगा। 56 का आंसर होगा, 56 का आंसर क्या होगा, 2 होगा, कितना इसमें आता है, 2 आता है, ठीक है, डायगोनल्स हमेशा 2 रहता ही है। चलिए 57 का क्या आएगा, सभी लोग बताइए, इसका आंसर आएगा 57, 21 के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए 58, थ्री क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करिए इसमें, अब बताइएगा अपने कमेंट में कि कितना आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, जिसका आयतन क्या होगा, एक क्यूब हुज और साइड 7 सेंटीमीटर हैज वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है, क्यूब क्या होगा, तो 7 × 7 × 7 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 343, ये आपका आंसर हो जाएगा, 58 का 3 के साथ जाएगा, ठीक है, 7 × 7 × 7 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, और जब सेंटीमीटर आयतन जब पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, तो यह क्यूब पर हो जाता है। चलिए 59 वर्ग अंतरा 20 और 25, इसका पूछ रहा है आपका द क्लास साइज ऑफ इन द क्लास इंटरवल 20 और 25, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये दोनों का डिफरेंट देखा जाता है, इसका डिफरेंट कितना का है, 5 का, इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस, जो वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट पॉइंट पी 5.4, इसका बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ये वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका कौन सा होगा, जो भी नंबर फर्स्ट बार में दिया हुआ रहता है, जैसे पी का दिया हुआ 5 × 4, जो फर्स्ट बार में दिया रहता है इसको एक्स बोलते हैं, और सेकंड में जो रहता है उसको वाई बोलते हैं, तो वाई में हमको वही वाई का पूछ रहा था वैल्यू, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो वाई की इक्वल टू 4 आएगा, तो वाई का 4 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्लियर है, इस तरह से हम आपको 20 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, और इसका जो सॉल्यूशंस होता है आपका नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह से आपको क्लास 8 का पूरा डिटेल्स और इसका पूरा मैथ का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर्स का था, और आपका लेटेस्ट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।